हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, तो अभी मैं हूँ रोजी के घर। हाँ, क्योंकि मैं कल आ गई थी रोजी के घर, मामा के से सीधा मैं यहीं पे आ गई थी, मुझे कुछ काम था मार्केट का, और मैं रात को यहीं रुकी थी, मैं और ईशु। और खत्म, शो खत्म। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं आई हुई रोजी और के कल यहीं पे रुकी थी। हमने फुल रात फुल एंजॉय किया। हम 2 बजे सोए थे रात को और सुबह उठ गए थे 6 बजे, फिर सो गए थे, फिर अभी उठे हैं, अभी बज रहे हैं 9। तो अभी हम पियेंगे चाय, बना ले तो कोई सी, देखो। और दिखाती हूँ मैं इनको, इनका क्या चल रहा है अभी। आज मैं वापस भी जाऊंगी, बाय द वे मैं एक ही दिन के लिए आई थी, बहुत मुश्किल से, तभी दिखाती हूँ। इसमें चाय कैसे बनाओगी? इसमें बनाई थी कल भी। इसने ना अपना शुगर हाल काबू में कर लिया, ये ऐसे कह मुट्ठी में ले हाड़ा में ले ली, गुलाबी आगो गुलाबी आगो। और बस और नहीं, और कमेंट नहीं, पंखुड़ी सब मैं सब खुद पंखुड़ी होगी, मैं सब खुद पंखुड़ी होगी, लेकिन सबकी पंखुड़ी पाड़ दी तो गाइस कल हुआ क्या था बेचारी के साथ, चलो छोड़ो। ये डर गई थी और डर में इसके साथ बहुत कुछ हो गया। एको क्या एको के बता एको, इसके पैर अधर हो गए थे और नींद में इसका पैर ही ऊपर होगा, पैर ऊपर उठ गए थे, फिर हम बड़ी मुश्किल से निकले। हमारा चाय का टाइम हो गया 9:30 बजे। अब हमारे सामने है एक मशहूर सिंगर, और जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, जिनके गिफ्ट देखो सिंगिंग में, इतने गिफ्ट जीत रखे हैं। ये मेरे भी है, उसने चुप रह लो, मतलब हमारे तीनों की है। और ये हमें बहुत अच्छा गाना सुनाएगी, बहुत अच्छा। ओके, मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाओ। कौन सा सुनाओ? कोई भी। हाँ, खुद तो गा सकते हैं। चल वो पहले सच्ची है, ज्योति गुलाबाउल लेकर बॉल में डाल, जल्दी चलो। चुप रहो, ये गाने नहीं डाले, चुप रह लो। अब कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। निकल गया, आवाज क्या? चलो भाई करते हैं। कपड़ा दे दी, बिल्कुल दीदी, जान मांग लो, यही तार ले, यही तार लो, अभी दे दू। देखियो यो या मेरी जान है, छोड़, मेरी जान है, जान ये छिलको है, ये छिलको है, छिलको है, छिलको, ठीक है। और आज ये छिलको वो बनाएगी, आलू छिल के, आज मैं कल उनको तार के रहूंगी, आलू का छिलका तार का, आज आलू परांठे बनाओगे? आज आलू परांठे बन रहे हमारे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो आटा लगा दिया अभी, हेलो गाइस आटा लगा दिया है, और आलू और मिर्ची कट दी है, कट दी। तो आज हम बना रहे हैं आलू के परांठे, और ये आलू भी गर्म हो गए, उबल गए। स्वागत है आपका रोजी की रसोई में, ऑफिशियल क्यूट 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 रोजी रोज है रोजी, गुल्ली 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 खा गई, रोटी रोटी गुल्ली चुल्ली खा गई। अच्छा, तो करते हैं हम स्टार्ट। मसाला किसमें भिगोएगी? भिगोएगी मतलब हाँ, मैश करती हूँ अभी, वो भून दे पहले, थोड़ा सा ना वो रह रहा था, अब निकाल दूँ गैस की।
तो अभी हम दिखाते हैं मसाला तैयार करके सीधा। ओके बाय बाय। गाइस सो फाइनली हम रेडी हो गए। मैं दिखी नहीं रही, ब्लर है थोड़ा। ओके और सब रेडी है। बुला एक बोतल लेके आई हूँ। हाँ अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। पानी बोतल लेके मैं लाटो मैं चार्ज और भूली ना क्या और भूली ना चार्ज हो गए। ओके सो हम सब रेडी है, पानी दे दे एक बार जल्दी। ठीक है तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बाय बाय। आंटी ना आ गई चाबी। नींबू ले नमक ले लू कुछ किलो। ए आ जा तू। नींबू ले ले सब्जी में ले ले। चलिए मत पर मेरा वो चिल्ला रहा खड़ा उसके ये बैग लेके देखे मास्टर नहीं हो ची। ये बत्ती वो के भूल गई। ये निकलेंगे थोड़ी अब। मैं इंसु को ध्यान रखूंगी तो फोन का तो ध्यान रखूंगी। बैग में रख दी मैंने थोड़ा खुला। ज्योति बैग को तुम ध्यान रखना। ज्योति ये तेरी चप्पल बहुत गंदी लग रही है। ज्योति ये चप्पल तो निकल जाएगी गाड़ी में। हाँ चलो आप चलो चलो रोजी। अरे एटी और फट रही है। अरे पैर लो तो एटीएम तो रख ले। हट मैं लगाऊं पूरा व्लॉग इन्ने इन बकचोदियां में खत्म करवे। हाय हाय बजे उड़ती हुई जाती है। गाइस हम जा रहे हैं बाहर। मेरा लुक फाइनल। चप्पल इग्नोर करें क्योंकि चप्पल निकालनी है। अबे हमारी चप्पल इग्नोर ही करिए। मेरा चप्पल इग्नोर करिए भाई। चप्पल इग्नोर एटी इग्नोर सकल भी इग्नोर। सो गाइस ओ गाइस ओ गाइस कैतर जाऊंगा नीरू अपन तो वो हो जाऊंगा। तीन चार आगे बैठा चार पीछे। नहीं ले रहे तेरे को नहीं ले रहे हम। मैं तो खड़ी पास बैठे। हमारे तुम्हारे प्यार की जय। चल म्यूट कर डांस तो आएगा। अरिबोटो 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 नहीं माफ नहीं करूंगी। तुम मुझसे गलती क्या हुई है? माफ कैसे करोगे? चॉकलेट दी है।
चाहिए। मम्मा खाटू श्याम जी की चल सकती है? खाटू श्याम जी की चल सकती है मम्मा? नहीं मम्मा नहीं चल सकती। क्यों, क्या हो गया? आप धमका रही हो मैं? मुझे भी धमका रहे हो? मैं तो चलूँ ना? नहीं आपको नहीं चल। मैं चल रही हूँ। क्यों नहीं जा सकते हम? आप दोनों नहीं, आप मुझे बहुत पास है ना लाए। चलो मतलब जगह जहाँ से ले रहा है ना, इनमें रोको गाँव को रास्ता। पता तो मेरे को भी पीछे क्योंकि ये सारा खाटू श्याम जी की भीड़ है। देखिए भी मोड़ ली, नीचे से ले चलो, जहाँ से ले चलो। पहली बार आई।
इससे भी अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि उसके पास संतुष्टि है। पूरे रास्ते भूखा प्यास आ रहा है, किसी से पानी पर नहीं पाता। रिंगस पहुंच गया, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, जयपुर से 90 किलोमीटर दूर रिंगस सरा पड़ती है और रिंगस से खाटू श्याम जी 17 किलोमीटर। रिंगस पहुंच गया, रिंगस में चीप वाली आवाज लगा रहे थे, खाटू खाटू। अभी बजे हैं 3 और हम 1 बजे के निकले हुए हैं। इतना भयंकर ट्रैफिक है ना, इतना ज्यादा। रुक जाए बुआ, हैंग हो गया फोन, हैंग हो गया फोन। और हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए, और यहाँ ये टोटल 20 मिनट का रास्ता है। बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्या करें। टाइम पास इसलिए हो गया, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई और यहाँ पे 2 लड़ाई भी हो चुकी है हमारे सामने। मैंने शुरू नहीं किया, शूट नहीं किया मैंने। मैं ज्योति बोल रही हूँ। गाइस ये ऐसे है, गाइस बहुत परेशान हो गए, इधर परेशान हो गए। रोड मंत्री को फोन, माय सेल फोन, माय ईयरफोन। अभी रोड मंत्री को फोन लगा दो। अभी भी हम कम से कम 7-8 किलोमीटर पीछे हैं। और हमें ये भी नहीं पता कितने दिन में पहुंचेंगे। फिर मैं उसके बाद धारवाड़ा भी जाना है मेरे को, जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। क्या देखो, हेलो गाइस, आई एम इंसु, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलो, मम्मा को धमका रहे थे, अब नहीं धमकाओगे? क्यों? मैं तो जाऊंगी, ना मानू मैं तो जाऊंगी। तो गाइस 3 घंटे की मशक्कत के बाद फाइनली हमें दरवाजा गेट दिख गया बाबा का, और अभी टाइम हो रहा है 3:46। बटा बटा मेरा दरवाजा, और हम यहीं पे गाड़ी पार्क करके यहाँ से पैदल जाएंगे। चल वो तो उतरांगा ना, पर हेलो गाइस, और भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। सॉरी गाइस, द्वार खड़ा, द्वार अच्छा मैं वहां तो देखी ना रही। ओ हेलो गाइस, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ जाऊंगी तो मैं फोन को क्या करूँ, क्योंकि इसका फोन ना हो, खुद ही चलता है, खुद ही चलता ही है, चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है फोन भी, ऑटोमेटिक है, खुद ही चल लेता है। त्यागने लायक ही हो रहा है तो ये आज बाबा पे फोन चढ़ा के जाइए। तो अभी हम गाड़ी पे, ये कब बोला मैंने, ये क्या था, ये कब बोला मैंने। तो गाइस अभी पार्क करके गाड़ी, फिर मिलते हैं, बाय बाय। तू भी तो दिखा ले, कुछ नहीं चल ना। तो गाइस हम पहुंच गए अभी पार्क कर देने गाड़ी। मैं नहीं आई दीदी, मैं भी नहीं आया, मैं भी नहीं आया। व्लॉग बनाती बनाती गायब हो जाऊं, व्लॉग में ही बोलूं। तो गाइस मैं गायब हो रही हूं। हां
से चल लो। कहाँ जा रहे हो? हाँ यहाँ चल लो, आधा रास्ता पार हो जाएगा। तो मैं भी पहली बार आई हूँ। मैं सोच घूंगा कार रखे पैर मुड़ जाता तो भी भाई भाई हम साथ साथ चलो, अब साथ चलो, देखो आप पकड़ सबके उदास चेहरे। वो महिलाओं को बहुत परेशान कर रहे हैं, स्वयं सेवक बात करते हैं। और हसी हसी में उठो भी ना जावे गुन्नू गिर मत जाइयो इंशू पे। पढ़ो पागल ना
लग ना रही ज्योति ना लग रही बड़ी है ना लग रही ना अरे भाई ज्योति 14 किलो वजन तक है बस मेरे बाल अंधेरा हो रहा होगा चलना गुल्ला मेरे गुत्ती पे थप्पड़ मारो तेरे गुत्ती पे थप्पड़ मार दी ये गाइस तो बजे हैं 8:30 और हम आए थे 7:30 घर पे ज्योति थोड़ी बैठ गई भीतर और 7:30 आए थे हम 7:30 हम आए थे और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ हम अरे रुक जाओ हम वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमारे दर्शन ही नहीं हुए बताओ तुम बताओ ज्योति कुछ बताओ दीदी मैं अभी आई लोअर किया हम इतने परेशान हो गए कि हमें लाइन में से ही वापस आ गई क्योंकि इंश्यू रोने लग गई और ये गुन्नू रोने लग गया और गुन्नू दब गया था बीच में मतलब सभी बहुत परेशान हो गए थे और इंश्यू की वजह से हम ज्यादा परेशान हो गए थे इसलिए हम बचपन बीच में से ही निकल गए इंशू ने बहुत इरिटेट कर दिया था हमें तो हमें कुछ भी हमने दर्शन ही नहीं किए हम बिना दर्शन करेंगे तो बाहर मंदिर से ही हाथ जोड़ के आ गए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी कम से कम हम 2 घंटे लाइन में लगते तब हमारा नंबर आता और हम बहुत ज्यादा तब भी नहीं आता और दूसरा इंशू इतनी परेशान हो जाती है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है ऐसा भी नहीं था कि मैं इशू को बाहर लेके खड़ी हो जाऊं और ये दर्शन करे बाहर भी कोई खड़ा नहीं होने दे रहा था बाहर भी वहां से भी भगा रहा था जा खड़ा था वहां से भी कहता चलो निकलो क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही थी तो मैं वहां पे भी खड़ी नहीं हो सकती थी और हमारे पास फोन भी नहीं थे फिर हम कॉन्टेक्ट भी कैसे करते तो हम सभी निकल आए फिर और फिर हमने कोशिश भी करी ट्राई आगे से कि पुलिस वाला से रिक्वेस्ट करी कि हमें अंदर जाने दो हमारे प्रॉब्लम पर उन्होंने नहीं जाने दिया फिर सोचा चलो और हम 5:30 फिर वहां से निकले थे 5:00 ना 5:00 वहां से निकले थे और हम 7:30 पहुंचे यहाँ पे आके इतना ट्रैफिक था तो फिर हमने आके अब कुछ खाना वाना बनाया है चावल बनाया आज रायता बनाया दाल और रोटी तो चावल मैंने बनाया रायता मैंने बनाया दाल आंटी ने बनाई है और रोटी अभी ज्योति बनाएगी बस और गुल्ला बर्तन धोएगी बर्तन मैं धोऊंगी गुल्ला ये टीचर है तो इसका नाम नहीं लूंगी स्कूल का क्योंकि फिर वहाँ पे चले जाएंगे सभी इसके फैंस बहुत ज्यादा हैं 705 फॉलोवर्स है और इसकी आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी गाइस इसको फॉलो कर लेना किसको पर मैंने तो मेकअप ही नहीं किया दीदी किसको अंतिमा को ठीक है गाइस और मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है और अभी मेरे को प्रमोशन भी बनानी है अभी मैं नहाऊंगी ठीक है तो फिर खाना खाते टाइम लगता है बाय बाय मैं इसका काम करवा दूं थोड़े बेचारे की हेल्प करा दूं ले धोली लो ये बेचारे मैं मेरे आईडी से तो हो जावा तू रोटिया चावल रायता और दाल अच्छा लाओ क्या लेना है दाल सिर्फ रायता बिना ज्योति कटोरी ला एक बार जो नीरू है मैं ज्योति गुल्ला का डाल दे येरा मेरा रखा तो ज्योति को है तेरा मेरा में डाल ज्योति गुल्ला का डाल
खा के रूम में बात कर लेंगे, बात कर रहे मम्मी तो ऊपर बैठ के खा लेंगे। इनका चावल मूंग महंगा बन रहा है, अच्छा भाई दीदी ने बनाया चावल, बस अभी बंद कर दे। तो गाइस तो अभी बज गए 11 और यही था हमारा दिन आज का। अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, टाटा बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। कहाँ मिलाएगी किस्मत, क्या कहाँ ले जाएगा गाली पता नहीं, गाली गली पे ले जाएगी गाली सारा तो दिखाओ मेरे को, जाओ फोन चला मेरे को फिर करो। ओके बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय। इंचो आप तो मान लेते थे, यहाँ कैसे आ गए।